गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव डन द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 6 वाटर। कल हमने साइंस में लेसन नंबर 6 वाटर की रीडिंग करी थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस इन द बुक। ओके, आज हम बुक में एक्सरसाइजेस करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, ड्रिंकिंग वाटर इज अ डैश फॉर्म। जो हमारा पीने वाला वाटर होता है, पानी होता है, वो क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड होता है। When water kept in the refrigerator changes into, जब हम water को refrigerator means फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, वो किस में चेंज होता है? स्टीम, आइस और वाटर वेपर, इट बिकम्स आइस। वाटर इज नेसेसरी फॉर, वाटर किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो आंसर इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर फ्रॉम अ डैश डज नॉट कंटेन जर्म्स। कहाँ के वाटर में जर्म्स नहीं होते हैं? हैंडपम्प, टैप और रिवर। टैप के, क्योंकि टैप के वाटर क्या होता है? क्लीन करके सेंड किया जाता है। वाटर वेपर इज़ द डैश फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर किसका, वाटर का कैसा फॉर्म है? गैस फॉर्म है। फिल इन द ब्लैंक्स। क्लाउड्स कंटेन वाटर डैश। क्लाउड्स में क्या होते हैं? वाटर वेपर्स। रेन वाटर फ्लोज इन टू डैश टू सी। रेन वाटर पहले रिवर्स में फ्लो करता है, फिर वो सी में चला जाता है। वाटर गोज फ्रॉम सी टू लैंड एंड लैंड टू सी। पहले वो सी से लैंड में जाता है, फिर लैंड से सी में चला जाता है। डियर्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम, डियर जो होते हैं, डियर क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। वो कहाँ से वाटर ड्रिंक करते हैं? स्ट्रीम से। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स। वाटर में क्लोरीन ऐड किया जाता है जिससे कि जर्म्स खत्म हो जाए। क्लोरीन क्या होता है? वो एक केमिकल होता है। व्हेन आइस मेल्ट्स इट चेंजेस इनटू, जब आइस को मेल्ट किया जाता है वो क्या बन जाता है? वाटर। ट्रू एंड फॉल्स। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन से ही ज़्यादातर वाटर मिलता है। ट्रू। वेल वाटर इज ऑलवेज जर्म फ्री। वेल का जो वाटर होता है उसमें जर्म्स नहीं होते हैं। फॉल्स। फिल्टर्ड वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। फिल्टर वाटर जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ट्रू। वी शुड ऑलवेज कीप द टैप क्लोज व्हेन नॉट यूजिंग, व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब हम वाटर का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो हमेशा टैप को क्लोज रखना चाहिए। सो ट्रू। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज कूल, जब पानी को ठंडा किया जाता है, इट चेंजेस इनटू आइस। व्हेन आइस इज केप्ट इन द ओपन, जब आइस को हम ओपन में रखते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर। When water is heated, जब water को heat किया जाता है तो क्या होता है? It changes into vapor. When steam is cooled, जब water vapor या steam को ठंडा किया जाता है, it changes into water. This water cycle is jumbled up. हमें यहाँ पे water cycle जो है वो mix करके jumbled form में दिए गए हैं। Put it in the correct order. हमें उसको सही order में arrange करना है। So the first one is water vapor cools to form tiny drops of water. So एंड सेकेंड वन इज द सन हीट्स अप द वाटर इन द लेक्स, सीज एंड रिवर्स। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स। द वाटर वेपर गोज हाई अप इन द स्काई, क्लाउड्स बिकम हैवी एंड इट रेन्स। ओके, सो इसमें फर्स्ट वन क्या होगा? फर्स्ट वन होगा द सन हीट्स अप द वाटर। सन से वाटर हीट होके जितना भी रिवर्स और सी में वाटर होता है वो हीट होता है। सो दिस वी विल राइट नंबर वन ओवर हियर। देन वाटर वेपर्स गोज हाई इन द स्काई, फिर जो वाटर वेपर होते हैं वो स्काई में ऊपर चले जाते हैं। सो नंबर टू। देन टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स, फिर क्लाउड्स बनते हैं। नंबर थ्री, वाटर वेपर कूल्स टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर वाटर वेपर ठंडा होके वाटर बनता है। फोर, क्लाउड्स बिकम हैवी एंड इट रेन्स, और क्लाउड्स हैवी होके रेन होता है। सो नंबर फाइव। सो चिल्ड्रन, यू आर सपोज टू डू दिस एक्सरसाइजेस इन योर बुक। आपको बुक में ये एक्सरसाइजेस करनी है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क सेंड मी द वर्क फॉर करेक्शन एंड लर्न दिस एक्सरसाइजेस। थैंक यू।